जांच ब्यूरो ने 1038 करोड़ रुपए के काले धन को हांगकांग ट्रांसफर करने के मामले में 48 कंपनियों, 3 व्यक्तियों, पब्लिक सेक्टर बैंक के कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह काला धन 2014 से 15 में ट्रांसफर किया गया था। चेन्नई में सीबीआई ने खुलासा किया कि 3 व्यक्तियों में मोहम्मद इब्रामास जॉनी, जिंटा मिदूर और निजामुद्दीन शामिल हैं। इनके साथ ही 48 कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने 3 जनवरी को एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर में सीबीआई ने कहा कि ये कंपनियां फर्जी हैं, जिन्होंने यह दिखाया कि आयात के बदले उन्हें धन दिया गया। इसके साथ ही भारतीय पर्यटकों ने विदेश यात्रा की, जबकि इस तरह का कोई कार्य किया ही नहीं गया। सीबीआई के अनुसार बैंक अधिकारियों को धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए कैश में घूस दी गई। जांच एजेंसियों को 48 कंपनियों के 51 करंट अकाउंट्स की जानकारी मिली है, जिसे बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में खोला गया। एफआईआर में इसका जिक्र है कि इन खातों में 1038 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए हैं।